नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाई है, वहीं इसकी वजह से कई करिश्मे भी हुए हैं। पर्यटकों की भीड़भाड़ की वजह से प्रसिद्ध नैनी झील जो न केवल गंदी हो गई थी और जिसका पानी लगातार घट रहा था, वो इतनी साफ हो चुकी है कि सतह पर मछलियां तैरती नजर आ रही हैं। वहीं पानी का स्तर भी पहले से काफी बढ़ गया है। तो पहले ये था कि ये जो एपिलिमनियन है इसमें मछलियां नहीं दिखाई देती थी क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी, और आज आपने स्वयं देखा होगा कि मछलियां जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। नैनी झील न केवल पर्यटन की जान है बल्कि पूरे नैनीताल की लाइफलाइन भी है। इसमें गंदगी के बढ़ने और जलस्तर के कम होने से दोनों पर ही खतरा बढ़ गया था। अब उसके पुराने रूप में आने से नैनीताल की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। हरे हरे पेड़ों के बीच में जब ये नैनी झील लोगों को देखने को मिलती है तो लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है, लेकिन आज लोग नहीं हैं, मगर उसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन ने होटल मालिकों और होटलों में काम करने वालों की रोजी रोटी के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। पर्यटन पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। कुमाऊं मंडल में लाखों लोगों की नौकरियां अब तक जा चुकी हैं।